नवादा की जो घटना घटा है वो बहुत ही अमानवीय है। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर जमीन का सर्वे अच्छे तरीके से बिहार में हो जाए तो इस तरह के घटनाओं पर लगाम लग जाएगी, लेकिन जमीन माफिया और सरकारी जमीन को अतिक्रमण करने वाले लोग पूरे बिहार में एक माहौल बना रहे हैं कि सर्वे रुक जाए, क्योंकि पता है कि हजारों हजार एकड़, 50,000 एकड़ से भी ज्यादा जो सरकारी जमीन पर भूमाफिया कब्जा किए हुए हैं या उसको बेच दिए हैं, उन सब का भेद खुल जाएगा। ये राहुल गांधी जो है ये आदमी ठीक नहीं है, ये देश का खाना खाता है और देश के बाहर जाकर जिस भारत और हिंदुस्तान का ये नमक खाता है, ये बाहर जाकर नमक हरामी करता है। देखिए ऐसा है कि माननीय न्यायालय के पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, कल पता चला है। अभी उसके कागजात जब आएंगे तो उसमें क्या उनका मांग है, क्या वो डिमांड कर रहे हैं, उसको जब हमारे लीगल एडवाइजर और एडवोकेट हमारे पढ़ लेंगे तब उस पर हम कुछ बताएंगे। आज बैठक भी चल रही है आपके बिहार में सर, मैंने पूरे बिहार के सीओ को आज करीब 153 155 सीओ को बुलाया है, फिर 25 तारीख को और सीओ को बुला रहे हैं। तो हमने पूरे बिहार के करीब 150 सीओ को आज बुलाया है और सीओ को मैंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी जनता को राजस्व विभाग में दाखिल खारिज, म्यूटेशन और जितने भी परिमार्जन के काम लेकर आते हैं, जनता को दिक्कत नहीं हो इस बात की आप चिंता कीजिए, और अगर शिकायत आता है तो आपको किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। क्लियर कट संदेश मैंने दिया है राजस्व विभाग के पदाधिकारियों को कि जनता को कोई दिक्कत नहीं हो इसका चिंता कीजिए। नवादा की जो घटना है उसको कैसे देख रहे हैं आप? नवादा की जो घटना घटा है वो बहुत ही अमानवीय है, और मैंने पहले भी कहा था कि अगर जमीन का सर्वे अच्छे तरीके से बिहार में हो जाए तो इस तरह के घटनाओं पर लगाम लग जाएगी, लेकिन जमीन माफिया और सरकारी जमीन को अतिक्रमण करने वाले लोग पूरे बिहार में एक माहौल बना रहे हैं कि सर्वे रुक जाए, क्योंकि पता है कि हजारों हजार एकड़, 50,000 एकड़ से भी ज्यादा जो सरकारी जमीन पर भूमाफिया कब्जा किए हुए हैं या उसको बेच दिए हैं, उन सब का भेद खुल जाएगा। और नवादा की घटना भी जैसा कि प्रथम दृष्टिया में पता चला है कि जमीन विवाद का ही मामला है। ऐसे लोग जिन लोगों ने इस तरह की अमानवीय घटना की है उसको पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया है और ऐसे लोगों को स्पेशल ट्रायल कोर्ट चला करके सजा दिया जाएगा कि इस तरह की घटना नहीं हो। लगातार जो है राहुल गांधी कह रहे हैं कि सुशासन की आप बात करते हैं तो शासन ही चौपट होगा। ये राहुल गांधी जो है ये आदमी ठीक नहीं है, ये देश का खाना खाता है और देश के बाहर जाकर जिस भारत और हिंदुस्तान का ये नमक खाता है, ये बाहर जाकर नमक हरामी करता है। इस देश का खाना खाने वाला, नमक खाने वाला कोई भी राहुल गांधी हो या कोई हो, विदेश के धरती पर जाकर अपने देश को अगर बदनाम करेगा, वो इंसान को हिंदुस्तान में कहने का क्या हक है जी? कोई हक है क्या? बहुजन विरोधी बता रहे हैं एनडीए सरकार, एनडीए सरकार रात भर यही इंतजार करते हैं कि हे भगवान कहीं कोई घटना घटा दो तो मेरा राजनीतिक दुकानदारी चले। महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज की बातें कर रहे थे जो शेयर, कह रहे हैं कि बिहार में ये तीनों राज हैं। उसको तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है, वो तो उससे उसके बातों का कोई मतलब नहीं। जिस तरीके से नवादा में घटना घटा है इसको देखते हुए कार्रवाई करेगी एनडीए सरकार? वो तो मैंने बता दिया, पहले ही बता दिया। धन्यवाद।